जैसे होता है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बातें तो नुकसान सबका है, जो मिल गई नदिया उसे भुलाया नहीं जाता, महासागर बनाने में हाथ सबका। मुसलमानों को अपना जीजा बनाएंगे लेकिन मुसलमानों को मार देंगे, ये बेईमानी है। यही लोग 1857 में थे कि जो मंदिर में गौ के मांस फेंकते थे और मस्जिद में स्वर का मांस फेंकते थे। मुगलों का इतिहास मिटाया जाएगा तो हमें पढ़ाया कौन जाएगा? लाल किला किसने बनवाया? नरेंद्र मोदी ने। ताजमहल किसने बनवाया? वीर सावरकर ने। ये पढ़ाओगे? जिनका अपना कोई इतिहास नहीं होता, जिनका अपना कोई जमीर नहीं होता, वो दूसरे के इतिहास को मिटाने में बहुत माहिर होते हैं, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती मोदी जी कभी कागज के फूलों से। और बलात्कारियों के अगर दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता आता है तो उसे बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ए मोदी जी, राख हौसला मंजर भी आएगा और दरिया से चलकर समुंदर भी आएगा। इन पहलवानों को सुनिए मैडम, सुनिए, इन पहलवानों को न्याय मिल के ही रहेगा। खुला समर्थन, पूरा जोर, हम तो चले मैडम पहलवान की ओर। सकते हैं तो भैया, अनुराग तो किसी की दलाली तो करता नहीं है, या किसी सांसद के इशारों पे तो नाचता नहीं है, किसी विधायक के पुलिस वालों के इशारों पे तो नाचता नहीं। अनुराग आजाद है। अगर बिजभूषण जी के इशारों पे प्रधानमंत्री जी ना होते तो प्रधानमंत्री जी भी आजाद होते। अरे देश के प्रधानमंत्री हो, ऐसा तो नहीं है कि बिजभूषण के प्रधानमंत्री हो। क्या इन महिला पहलवानों के प्रधानमंत्री नहीं है क्या? फोटो पहलवानों के साथ खिंचवाओ तो हर जगह प्रधानमंत्री साहब थोड़ी पहुंच जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री हर जगह कैसे पहुंच जाएंगे? सुरक्षा नाम की भी चीज होती है भाई साहब। जब ये महिला मेडल लाती हैं। अच्छा जी, बजरंग पुनिया जी यहाँ पे आवास पे आइए, चाय पीते हैं और साथ में फोटो भी अपलोड कर रहे हैं, वो ठीक है, और इन पहलवानों के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए। ये बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बेईमानी पे उतरी हुई है, और महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान की बात तो भारतीय जनता पार्टी के दूर दूर तक शोभा नहीं देती, क्योंकि ये महिलाओं का सम्मान करते ही नहीं है। ये लाल किले पे खड़ा होके महिला सुधार करेंगे जी, महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए, महिलाओं को पुरुष से भी आगे जाना चाहिए। अरे महाराज, पुरुष से तो आगे जाना चाहते हैं, लेकिन उनको रोकने का भी अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते तो हैं। कह रहे कि आज भराई लोज हो चुकी है। अरे साहब, गिरफ्तारी कब होगी, ये बात पूछता है भारत। तो पूछताछ का कारण है। अच्छा एक चीज बताइए, FIR हो गई, कॉपी भी आ गई, कौन कौन सी धारा लगी है? पॉक्सो एक्ट में तो भैया तुरंत गिरफ्तारी होती है, कोर्ट ऐसा कहता है, गिरफ्तारी नहीं हुई तो भेज दिया उनके फैमिली को, जो था पॉक्सो की जो एफआईआर थी वो तो फैमिली को भेज दी गई है। उनके फैमिली को भेज दिया। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब ये पॉक्सो एक्ट लगता है तो जो आरोपी होता है उसको सीधा जेल में जाना चाहिए ना, तो भारतीय जनता पार्टी का है जेल में नहीं जा रही है, कहे उनको बिजभूषण जी को बचा रही है, फंसाया जा रहा है। यहाँ पे जो महिलाएं बैठ के बोल रही है, झूठ बोल रही है, कह रहे कि यहाँ पे एक महिला का ऑडियो वायरल हुआ खिलाड़ी का, वो कह रहे कि कहीं से भी लड़की का इंतजाम करो, कहीं से लड़की का इंतजाम करो। अरे भैया काहे अनाप शनाप का, मैं संविधान का एजेंट हूँ और लोकतंत्र का एजेंट हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं भैया भारतीय जनता पार्टी से कोई मेरा रिश्ता उस्ता नहीं, और किसी भी पार्टी से, किसी पार्टी से, किसी भी पार्टी से नहीं। हाँ भैया, मोदी जी हमारे फूफा लगते हैं, सुनिए, मोदी जी गुजरात के, हम उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, मोदी जी का मेरा कोई दूर दूर तक कोई भाई कुछ नहीं है, मोदी जी का एजेंट हम कैसे हुए? देखिए आज फालतू का बात मत किया जाए ना, ये फालतू चीज अब फालतू लोगों से ही पूछो तो ज्यादा देश के, वही कह रहे हैं कि ये वही आज का मुद्दा है, तो वो क्या एक विशेष वर्ग को चुन चुन के मारेंगे? कर्नाटक में जाकर भाषण दे रहे हैं कि वहाँ पे सब कुछ चंगा है, सब कुछ खत्म हुआ। नहीं, उत्तर प्रदेश में अगर सब कुछ चंगा होता तो अतीक अहमद को मारा ना जाता, उसके बेटे को मारा ना जाता। ये कहते हैं कि इनकाउंटर हुआ है उसके बेटे का। अब एक चीज बताइए पत्रकार महोदय, अगर उसके बेटे का इनकाउंटर होता तो ताबड़तोला आगे पीछे से गोलियां चलती है? एक तरफा तो गोलियां चलती नहीं है, कैसे इनकाउंटर हुआ है? जानबूझ के मारा गया है। ये कहते हैं मैं अपराधियों के समर्थन में नहीं हूँ, अपराधी अगर वो था तो कोर्ट साबित करेगा, आप तो साबित नहीं करोगे ना, जो मीडिया वाले हैं वो तो साबित कर रहे हैं कि हाँ वो ऐसा था, फलाना है, अब तो अख्तार को भी बारी है, फलाना की बारी है, उनका काम है साबित करना, सर आपका काम नहीं, आप सोशल मीडिया हो, सच्चा मीडिया दिखाइए। अफजल अंसारी का भी सदस्यता जाएंगे जेल, वो भी जा रहे हैं, नहीं तो इनकी बृजभूषण जी को सजा कब होगी बताइए? इन लोगों को सजा कब होगी? इनकी सजा नहीं होगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से इनका कनेक्शन है, ये सिर्फ मुसलमानों को चुनते हैं। अच्छा मुसलमान है, क्या नाम है? फैजल नाम है। अच्छा उड़ा दो इसको, क्या नाम है? अतीक नाम था, उड़ा दो इसको। विरोधी है भाजपा, आपको नहीं लगता? अगर मुस्लिम विरोधी भाजपा नहीं होती तो कर्नाटक में जाके क्या बोला है कि हमारी सरकार बनते ही मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे? बताइए,
वही तो हम कह रहे हैं कि ये मुस्लिम विरोधी है और मुसलमान भाइयों को ये समझने की आवश्यकता है। अभी भी कुछ मुसलमान भाई हैं जो समझ नहीं रहे हैं, कहते हैं होगा ये है? नहीं, हम भड़का नहीं रहे हैं, हम भड़का नहीं, कानून के हिसाब से सजा दो। मुस्लिम भी अपराधी हो सकता है, हिंदू भी अपराधी हो सकता है, कोई भी हो, दीजिए ना बिजभूषण जी को सजा दीजिए, काहे नहीं दे रहे, उनको नहीं दोगे? FIR हो गया तो सदस्यता कब रद्द होगी महाराज? सदस्यता रद्द करवाओ, जेल में भिजवाओ, कारावास करवाओ, मिट्टी में मिलाओ, तो सब कुछ करो। फसाया जा रहा है मिराज से, लोगों पे FIR हो गया सड़क पे नमाज पढ़ने पे यूपी में। एक चीज बताइए, देखिए अब हम फिर बोलेंगे दुर्गा पूजा और राम, एक चीज बताइए, रोड जाम करके रोड पे बैठ गए थे भाई, किनारे लोग बैठ के कर रहे हैं तुम उनको। एक चीज बताइए, अभी हरियाणा में जब मुसलमानों को पीटा था तब वो भी नमाज, मतलब यार पता नहीं, मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी पार्टी है और ये मुसलमानों को समझना चाहिए। जब तक वो लोग नहीं समझेंगे आए दिन मुसलमान मारे जाएंगे। मुसलमानों को एक गुट जैसे होता है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बातें तो नुकसान सबका है, जो मिल गई नदियाँ उसे भुलाया नहीं जाता, महासागर बनाने में हाथ सबका। मुसलमान विरोधी है तो भाजपा, भाजपा। अच्छा एक चीज बताइए, RSS वालों का जीजा कौन? मुसलमान। अडवाणी जी का दामाद कौन? मुसलमान। मतलब ये मुसलमानों को अपना जीजा बनाएंगे लेकिन मुसलमानों को मार देंगे, ये बेईमानी है। अभी इनको अशफाक उल्ला खान के बारे में इनको पढ़ना चाहिए, मुसलमानों का जिसे इतिहास नहीं पता है वही मुसलमानों को मिटाने का बात करता है। अशफाक उल्ला खान को पढ़िए ना, आप पढ़िए बहादुर शाह जफर को, उन्होंने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। 1857 में जाइए पत्रकार महोदय, 50,000 से ज्यादा उलेमाओं ने शहादत चूम ली। अगर यही हिंदू मुसलमान करने वाले लोग उस समय होते तो 50,000 से ज्यादा उलेमाओं फांसी पर न चढ़ जाते। आप एक चीज बताइए, यही लोग 1857 में थे कि जो मंदिर में गौ के मांस फेंकते थे और मस्जिद में स्वर का मांस फेंकते थे, यही वो लोग हैं जो फूट डालो राज करो लूट डालो, ये फूट डालने वाले लोग हैं। डिवाइड एंड रूल के खिलाफ हमें लड़ना होगा, सभी मुसलमान भाइयों को और सभी सनातनीय भाइयों को एकजुट होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की संघ रूपी सरकार को उजाड़ के फेंक देना चाहिए। नहीं, अगर मुगलों का इतिहास मिटाया जाएगा तो हमें पढ़ाया कौन जाएगा? लाल किला किसने बनवाया? नरेंद्र मोदी ने। ताजमहल किसने बनवाया? वीर सावरकर ने। ये पढ़ाओगे हैं? बताइए। कह रहे हैं कि बच्चों का दिमाग में बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया था, इसलिए थोड़ा सा दो चार बस पन्ने खत्म करें, कम करें। नहीं, दो चार जिनका अपना कोई इतिहास नहीं होता, जिनका अपना कोई जमीर नहीं होता, वो दूसरे के इतिहास को मिटाने में बहुत माहिर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतिहास मिटाना चाहती है लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती मोदी जी कभी कागज के फूलों से। आप कितना भी इनकी इतिहास मिटा दोगे, लोग पूछेंगे ना 50 साल बाद जब आपका लड़का हो, लड़के का लड़का होगा ना, पूछेगा बाबू जी लाल किला किसने बनवाया था, तब वो क्या कहेंगे? मोदी ने बनवाया था। जब वो पूछेंगे ए भैया, ए जब आपस में बात करेंगे भैया लाल किला किसने बनवाया था, तब मोदी जी का नाम। अच्छा एक चीज बताइए, ताजमहल किसने बनवाया था? सावरकर ने बनवाया था। अरे दुनिया को पता है दूसरे किसने बनवाया था? क्या करने के लिए मिटाने? एक चीज बताइए आप, मिटा ताजमहल नहीं, ये यार ये गलत है, बयानबाजी ये गलत है। कहते हैं ना जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदा है, अरे भैया हम तो कहते हैं कणकड़ में भगवान है, कणकड़ में अल्लाह है, कणकड़ में वाहेगुरु है। बताइए, श्वास लेते हो तो अल्लाह की कृपा है तभी तो ले पाते हो, वाहेगुरु और राम जी की कृपा है तभी तो ले पाते हो। मुसलमानों का विरोध करना भारतीय जनता पार्टी को बंद कर देना चाहिए और इस देश में संविधान से चलेगा, हिंदू मुसलमान किसी गीता किसी कुरान किसी बाइबल से ये देश नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है। और जब तक इस देश में संविधान रहेगा, अगर संविधान अगर पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए ना, मुसलमानों का विरोध करने वाली ये पार्टी 24 में ही मिटिया मेट हो जाएगी। मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ, मैं सरकारी हिंदुओं का विरोध करता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं तो सनातनी हिंदू हूँ सर। अच्छा। सनातनी हिंदू सत्यता पे चलता है, सनातनी हिंदू सच्चाई के साथ चलता है, सरकारी हिंदू मोदी जी वाह मोदी जी वाह मोदी जी वाह के सरकारी हिंदू है। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कट्टरवादी हिंदू हैं। देखिए कट्टर हिंदू, न कट्टर हिंदू होना चाहिए न कट्टर मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि जो कट्टर शब्द है वही पत्रकार महोदय गलत है। कट्टरता क्या, कट्टर होना चाहिए। कट्टर का मतलब मैं अगर कुछ मुझसे मुंह से निकल जाए काट दो तुरंत। कट्टर का मतलब मैडम क्या होता है बताइए इनको, क्या होता है कट्टर का मतलब? काटने वाला है, अब काटने वाला बनोगे? इन लोगों को समझने की आवश्यकता है। अरे मोदी जी आप समझा दीजिए, आपके जो अंधभक्त हैं। देखिए शाइस्ता जो है वो भैया जब किसी का पति मर जाता है मुस्लिम में है
हाँ, उसका शोहर मर गया तो भैया तो 4 महीने घर पे बैठेगी ना, 4 महीना घर पे बैठेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि उसे ले आया जाए जी सामने, होल्डिंग में इतनी बड़ी फोटो लगा दो, उसको इस्लाम धर्म से बर्खास्त करवा दो, उसका अंजना वगैरह से कह दो कि जी फोटो चला दो इसकी। मतलब एक मुस्लिम महिला को टारगेट करने का अगर भी किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। कुछ लोग कहते हैं कि